सद्दसार परित्ताण। परित्ताण शब्द जो बुद्ध पद्धति को अपनाते हैं या उस फिलॉसफी में चलते हैं या उस फिलॉसफी की उस दर्शन की उस दर्शन की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, उनके लिए ये एक बहुत जाना माना शब्द है परित्ताण। परित्ताण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि और एक ताण। परि माने होता है संपूर्ण या पूरा या चारों तरफ से, जैसे हम पेरिफेरल बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं, यानी कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उसको परि बोलते हैं। परिपूर्ण का मतलब है पूरी तरह से पूरा, तो परि का मतलब यहाँ इतना है। और ताण का मतलब जो आता है वो यहाँ तीन मतलबों में आता है, तीन अर्थों में आता है ताण। ताण को हम रिफ्यूज भी बोलते हैं, रिफ्यूज का मतलब है जो हम शरण बोलते हैं, थ्री डिफ्यूज होते हैं, जैसे हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ या बोधि की शरण में जाता हूँ। तो एक यहाँ शरण में आता है, शरण का मतलब है अनुसार जाता हूँ, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जाता हूँ। एक यहाँ आता है प्रोटेक्शन में, यानी कि सुरक्षा में, सुरक्षा के अंदर, जो ताण का मतलब है वो सुरक्षा भी आता है। और एक आता है यहाँ शेल्टर में, शेल्टर का मतलब है कि उनको एक तरह से अभेदान या उनको एक भय का दान दिया जा रहा है, जो शेल्टर दी जा रही है उनको, एक सुरक्षा दी जा रही है, इस तरह से आता है। तो यहाँ जो ताण का मेन मतलब है वो आता है कि जब आप परिधि में आएंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा। अब इसका करते कैसे हैं इसको और इसका मतलब क्या होता है और ये क्या चीज़ है परिताण। जितनी भी बुद्ध की अच्छी बातें हैं, यानी जो भगवान बुद्ध ने अच्छे अच्छे सूत्र बताए हैं, उन सूत्रों का एक संग्रह है। वो संग्रह हमें कब आवश्यकता पड़ती है उसकी, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हों, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हों, जब आपको लगे कि आपके घर में चारों तरफ अंधकार सा है, निगेटिव एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है, जब आपको ये लगे कि घर में लगभग सभी अवसाद रूप में डिप्रेशन में या परेशानी में चल रहे हैं, जब आपको ये लगे कि आपका मन हमेशा विचलित रहता है और वो स्थिर नहीं है, जब आपका ये लगे मन कि बच्चे इधर उधर बिगड़ते जा रहे हैं, उनका ध्यान एक जगह नहीं लगता है, आपको तुरंत परित्ताण पाठ के लिए इंतजाम करके और जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। परित्ताण पाठ में जो परित्ताण पाठ करेगा, जो आएगा भिक्खु या उपासक या सामने, उसके चेहरे पे शांति और उसके प्रसन्नता होनी चाहिए, ये पहले आप देख लें, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो उसके चेहरे से आपको झलकेगी। तो चेहरे पे उसकी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, उसकी बातों में मिठास होनी चाहिए और वो बिल्कुल स्वच्छ मन से वहाँ आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मैत्ता भावना, वो अपनी मैत्री भावना, वो अपनी शरीर की सभी पॉजिटिव एनर्जी से आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बिखेरने वाला है। यहाँ जितने भी सूत्र हैं वो सारे सूत्र वहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे और उनको समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। रट्टा मारेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ भिक्खु जो आएंगे या उपासक या सामने आएंगे, उनसे पूछेंगे कि भगवान बुद्ध ने ये बात कैसे कही और कब कही। तो जैसे जैसे आप बात को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन का अवसाद यानी मन का जो डिप्रेशन है वो दूर होता जाएगा। और क्योंकि परिवार में आपने तैयारी की है, घर को साफ किया है, घर को बिल्कुल ठीक ठाक किया है, रोशनी बढ़ाई है घर के अंदर, सब चीज़ें ठीक की हैं, तो मन के अंदर से जो अवसाद है वो जैसे आया था वैसा का वैसे ही निकल जाएगा। इसलिए परित्ताण पाठ, अगर कभी आपको अवसाद ना भी है, डिप्रेशन नहीं भी है, कोई परेशानी नहीं भी है, निगेटिव एनर्जी नहीं भी है, तो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए, और ज़्यादा अच्छा फील करने के लिए, महीने में एक बार या दो बार या दो महीने में एक बार, जैसे आपकी सुविधा है, जितना बड़ा परित्ताण पाठ आप करा सकें, आधा घंटे का, एक घंटे का, दो घंटे का, जितने रिश्तेदारों के साथ आप करा सकें, 10 रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार, 50 रिश्तेदार, जितने लोगों का आप सुखपूर्वक इंतजाम कर सकें बैठने का, उनके चाय नाश्ते का या जो भी इंतजाम आप कर सकें, मन को प्रसन्नता होनी चाहिए, वो करें। इसका लाभ अवश्य होता है। इसके अंदर कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, मगर जब पॉजिटिव एनर्जी कोई भिक्खु या कोई सामनेर या उपासक या रिश्तेदार लेके आते हैं तो एक फेस्टिवल का माहौल होता है और वो पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में बिखर जाती है, एक गैदरिंग होती है और जितनी घर की निगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। इसलिए इसको परित्ताण बोला है, यानी पूरी तरह से सुरक्षा या पूरी तरह से शरण या पूरी तरह से एक तरह से खुशहाली लाने वाला एक कार्यक्रम है। ये इसका सद्दसार है। धन्यवाद।